अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह मरहब। इंशाल्लाह आज हम करेंगे मई जून 2019 पेपर 1-2 फॉर AS लेवल्स। क्वेश्चन 1, अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फॉर अ कंट्री इज शोन। अच्छा, अगर हम देखें टेबल से तो हमारे पास जो हमारा PPC कर्व था वो पहले PP था और अब हो गया P1। ठीक है, हेंस इट मीन कि जो ये डिक्रीज हुआ है, ठीक है, इट शिफ्टेड लेफ्ट, इट शिफ्टेड इनवर्ड्स। ठीक है, वट वुड कॉज द शिफ्ट फ्रॉम PP to PP1। ठीक है, अच्छा देखो, जब भी हम बात करते हैं अपने PPC कर्व की तो उसका मतलब हम बात कर रहे हैं अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी की, अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी, ठीक है, या फिर हम कहते हैं मैक्सिमम आउटपुट, क्योंकि हमारी इकॉनमी या फिर हमारा जो कंट्री है वो कितना मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकता है, उसकी क्या बाउंड्रीज है, उसकी क्या लिमिट है, ठीक है, उसकी क्या पोटेंशियल है। सो नाउ ए कह रहा है कि एप्लीकेशन ऑफ मोर मशीनरी यूज इन मैन्युफैक्चरिंग, ये गलत है, क्योंकि देखो अगर आपके पास एप्लीकेशन ऑफ मोर मशीनरी होती तो इससे आपको जो PPC कर्व है इट वुड बेसिकली शिफ्ट आउटवर्ड्स। ठीक है, इससे आपको जो PPC है इट वुड इंक्रीज, ना कि डिक्रीज, क्योंकि इसमें हम देखें तो ये डिक्रीज़ हुआ है। बी कह रहे हैं कि प्रोडक्टिविटी डिक्रीज, एग्जैक्टली, कि जब आपकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होगी इससे आपकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी या आपको जो पोटेंशियल है वो आपका कम हो जाएगा। और जो हमारा PPC कर्व होता है वो ओनली टू थिंग्स से इफेक्ट होता है, एक होता है क्वालिटी से और दूसरा होता है क्वान्टिटी से। ये दो चीज़ें इफेक्ट करती हैं हमारे PPC कर्व को, ठीक है, बस ये दो चीज़ें याद रखना। तो जब हमारी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ होगी इससे हमारी क्वालिटी पे इफेक्ट आएगा, और फिर हमारी क्वांटिटी जिससे बेशक इंक्रीज़ भी हो तो उससे हमारी क्वालिटी का जब डिक्रीज़ होगी तो वो चीज़ें उस क्वालिटी की नहीं रहेंगी। ठीक है, बी कह रहे हैं कि साइंटिफिक मेथड्स अप्लाई टू फार्मिंग, इससे भी आपका PPC कर्व बेसिकली इंक्रीज़ होगा। डी कह रहे हैं कि स्विच फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड टू कैपिटल गुड्स, ये टोटली अनरिलेटेड है, ये हम बात करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, अ गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू मूव इट्स इकॉनमी अवे फ्रॉम सेंट्रल प्लानिंग टुवर्ड्स द मार्केट इकॉनमी। तो अगर देखा जाए तो सेंट्रल प्लान हमारे पास एक है इकॉनमी, और फिर हमने करना है मार्केट इकॉनमी की तरफ। सेंट्रल प्लान इकॉनमी के अंदर हमारे पास गवर्नमेंट बेसिकली इट्स द मेजर फोर्स एक्टिंग, और जो हमारे पास मार्केट इकॉनमी होती है उसके अंदर हमारे पास मार्केट फोर्सेज होती हैं ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, विच पॉलिसी वुड बी कंसिस्टेंट विद दिस एम, अपने गवर्नमेंट से डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो हमें कौन सी पॉलिसी चाहिए होगी। ये कह रहा है कि इंट्रोड्यूस टैरिफ्स ऑन इंपोर्टेड गुड्स। देखो टैरिफ जो है वो आपकी कौन इम्पोज करती है, गवर्नमेंट, इससे गवर्नमेंट की जो सेंट्रल प्लान इकॉनमी है उसी को बेनिफिट होगा, ना कि आपकी जो मार्केट इकॉनमी है उसकी तरफ आप मूव होंगे। बी कह रहा है कि प्राइवेटाइज द ओनरशिप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। सो हम बात कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन की, ठीक है, हेंस दिस विल शिफ्ट आवर इकॉनमी टुवर्ड्स प्राइवेट कंज्यूमर्स एंड प्राइवेट प्रोड्यूसर्स, प्राइवेट कंज्यूमर्स और फिर प्राइवेट प्रोड्यूसर्स आ जाएंगे यहाँ पर, मेल के प्रोड्यूसर। ठीक है, सो बी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि अब हम सेंट्रल प्लान से हम शिफ्ट हो रहे हैं, अपनी हम फर्म्स हम प्राइवेट लोगों को दे रहे हैं, ठीक है, ताकि वो अपनी डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेज से खेलें और फिर अपना जो मार्केट इकॉनमी वो हमारी डेवलप हो। सी कह रहे हैं कि प्रोवाइड फ्री एजुकेशन फॉर प्राइमरी स्कूल पीपल्स। देखो फ्री एजुकेशन क्या है, पब्लिक गुड्स ही है, और फिर जो आपकी पब्लिक गुड होती है वो ओनली एंड ओनली एक सेंट्रल ब्रांड जो होती है गवर्नमेंट होती है या फिर आपकी जो गवर्नमेंट होती है वो बेसिकली आपको देती है, हेंस ये आपकी मार्केट इकॉनमी की तरफ जाने के लिए आपको कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। डी कह रहा है कि रिड्यूस प्राइसेस ऑफ फूड्स सच एज व्हीट एंड राइस, ये भी जो आपकी जो प्राइसेस होती हैं ये किसके कंट्रोल में होती हैं, ये होती हैं आपकी गवर्नमेंट की, और फिर गवर्नमेंट जो आपकी होती है गवर्नमेंट वही रिड्यूस और इंक्रीज़ कर सकती है, वरना आपकी जो एक मार्केट इकॉनमी होती है उसमें ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई आपकी जो है ना प्राइसेस वो रिड्यूस और फिर आपकी इंक्रीज होती हैं, हेंस इसका आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वुड बी अ डिटरमिनेंट ऑफ अ कंट्रीज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बाउंड्री। देखो जब भी मैं आपको पहले भी जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो बाउंड्री है वो बेसिकली हम बात कर रहे हैं अपनी मैक्सिमम मैक्स आउटपुट, या फिर आप कह सकते हो उसको पोटेंशियल अपना, ठीक है, आपको जो मैक्सिमम पोटेंशियल है वो आपको कितना है। ठीक है, ए कह रहा है कि द कैपिटल इन्वेस्टेड इन इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्जैक्टली, देखो आपका जो कैपिटल होता है जिसको आप यूज़ करते हो अपने इकोनॉमी के अंदर वही आपकी आउटपुट को बताता है कि भाई आपकी जो मशीनरीज है आपके पास जो इक्विपमेंट है वही आपकी आउट जो आपकी बाउंड्री है या फिर आपकी जो पोटेंशियल है या फिर आपकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी को वो डिफाइन करते हैं बेसिकली। बी कह रहा है द लेवल ऑफ प्राइस एंड वेज इन्फ्लेशन, नहीं, टोटली अनरिलेटेड। द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट लेबर, नहीं, ये भी गलत है। और इन द वॉल्यूम ऑफ इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, दिस इज टोटली अनरिलेटेड। आपके पास जो
प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर होता है, वो सारा का सारा आपके आपको जो है ना कैपिटल उसके ऊपर होता है, आपकी जो लेबर है उसके ऊपर होता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट जस्टिफाइज गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द प्रोविजन ऑफ अ मेरिट गुड सच एज एजुकेशन। अच्छा, अब हम देखा जाए तो हमारे पास जो एजुकेशन है वो एक है पब्लिक गुड एंड इट्स अ मेरिट गुड, ठीक है। ये हमारे पास पब्लिक गुड है और एंड इट्स अ मेरिट गुड, ठीक है। ए कह रहा है कि पीपल हु पे फॉर एजुकेशन वैल्यू इट मोर देन दोज हु कैन नॉट पे। नहीं, ये है ये हमारे पास उस वक्त होता है जब हमारे पास जो प्राइवेट बेनिफिट है वो लोगों के जहन में प्राइवेट बेनिफिट हमारे जो प्राइवेट कॉस्ट है उससे ज़्यादा होता है। और अगर ये होता प्राइवेट बेनिफिट हमारे जो प्राइवेट कॉस्ट से ज़्यादा होता देन गवर्नमेंट को ज़रूरत ही ना पड़ती कि वो मेरिट ग्रुड को ना प्रोवाइड करे, क्योंकि लोगों के पास इतनी इन्फॉर्मेशन है, लोग लाइक लोगों के पास इतनी अहमियत है एजुकेशन की कि वो खुद उसको खरीदें, ना कि गवर्नमेंट उसको फ्रीली प्रोवाइड करे, ठीक है। बी कह रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल्स हैव मोर मेरिट। नहीं, दिस इज टोटली अनरिलेटेड। सी कह रहे हैं सोशल कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन आउटवे सोशल बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन। नहीं, आपके जो सोशल बेनिफिट्स होते हैं दे आउटवे योर सोशल कॉस्ट। योर एस बी बेसिकली आउटवे योर एस सी। डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि देखो सम कंज्यूमर्स डू नॉट फुली रिकोगनाइज द वैल्यू ऑफ एजुकेशन। ये हम बात कर रहे हैं इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन की, इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन की, ठीक है। इसमें क्या होता है, कभी लोगों को उसकी जो सोशल बेनिफिट्स हैं या फिर जो उसकी जिनको वैल्यू इससे मिलेगी स्कूल से और जो आपके एजुकेशन सिस्टम से, वो उनको रियलाइज़ नहीं होती। और उसको फिर रिकॉग्नाइज करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि आपको फ्री में आपको देती है एजुकेशन, और या फिर आपको कोई कोई भी मेरिट गुड्स होगी, ठीक है। हैंस डी इज द करेक्ट आंसर। 5 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, द डायग्राम शो द सप्लाई ऑफ लाइमस्टोन फ्रॉम क्वारी एक्स एंड क्वारी वाई एट ट्रू प्राइसेस। पहले हमारे पास पी वन था और फिर हमारे पास पी वन से हम शिफ्ट हो गए पी टू की तरफ, जिसकी वजह से हमारी जो क्वांटिटी थी, जो क्वांटिटी सप्लाई है, वो हमारी क्यू वन से शिफ्ट होगी टू क्यू टू, ठीक है। व्हाट इज द मेजर ऑफ द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ सप्लाई एज द प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम पी वन टू पी टू। अब हम देखो बात कर रहे हैं पी ई एस की, ठीक है। अगर हम एस एक्स को देखें, ठीक है, क्वेरी एक्स की जो है सप्लाई है अगर उसको देखें तो ये बिल्कुल स्ट्रेट है। और जो हमारे पास जो बिल्कुल स्ट्रेट होती है उसका मतलब क्या होता है कि आपकी परफेक्टली इन इलास्टिक है, यानी इसका जो पी ई एस होगा वो बेसिकली ज़ीरो होगा। और जबकि जो अगर हम इसको देखें स्लैंडेड को, ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रही, ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रही। अगर ये ओरिजिन से स्टार्ट होती और ये कॉन्स्टेंट डायगोनल होती और वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रही थी, देन वी वुड से दैट कि वो यूनिट इलास्टिक है। मगर इस टाइम अगर आप देखें तो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रही एंड इट्स स्लैंटेड भी, ठीक है। हेंस इसका मतलब है कि ये है हमारे पास इलास्टिक, और इलास्टिक का मतलब क्या होगा कि इट इज़ ग्रेटर देन वन। इसका जो पी ई एस होगा इट इज़ ग्रेटर देन वन, तो उसका आंसर ए होगा, सिंपल। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द परफेक्टली कंटेस्टेबल मार्केट। आपकी जो परफेक्टली कंटेस्टेबल मार्केट होती है, वैसे ये क्वेश्चन आपका ए एस लेवल का है तो नहीं, मगर और फिर ये मार्किंग स्कीम से भी इसको डिसकंटिन्यू कर दी क्योंकि ये ए टू का है, मगर फिर भी आपको उसका आंसर दूँ कि आपकी जो परफेक्टली कंटेस्टेबल मार्केट होती है उसके अंदर आपकी जो कॉस्ट ऑफ एंट्री एंड एग्जिट्स वो बेसिकली ज़ीरो होते हैं। हेंस इसका आंसर ये होगा। बी इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपके जो हाई बैरियर्स टू एंट्री होंगे ना वो आपके होते हैं एक इन एन इम्परफेक्ट इकॉनमी, इन एन इम्परफेक्ट मार्केट, ठीक है, जिसमें आपका जो कंपटीशन है वो बेसिकली इम्परफेक्ट है। सेम गोज फॉर हाई सन कॉस्ट एंड प्राइस यू नो दिस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो ये तीनों आपकी बेसिकली बात करें इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन की, बात कर रहे हैं इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। और ओनली ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि आपकी जो परफेक्टली कंटेस्टेबल मार्केट के अंदर आपके पास ना तो सन कॉस्ट होती है, ना तो आपके पास हाई बैरियर्स टू एंट्री होती है, और ना ही आपके पास प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होती है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7, द डायग्राम शो द डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ क्रीम। द ओरिजिनल इक्विलिब्रियम इज एट पॉइंट एक्स, स्ट्रॉबेरीज एंड क्रीम्स आर कम्प्लीमेंट्री गुड। अब देखो उसने हमें बता दिया कि जो दोनों गुड्स हैं वो है कम्प्लीमेंट्री। कम्प्लीमेंट्री का मतलब ये हुआ कि अगर एक की प्राइस इंक्रीज होगी तो दूसरे की डिमांड डिक्रीज होगी, और अगर एक की प्राइस डिक्रीज होगी तो दूसरे की डिमांड इंक्रीज होगी, सिंपल। इफ़ द प्राइस ऑफ स्ट्रॉबेरीज फॉल, अब हम बात करें इस चीज़ की कि एक की प्राइस गिर गई है एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग क्रीम इंक्रीजेज। अच्छा, इसमें अब उन्होंने एक और इसमें फ्लेवर डाल दी है कि अब ये हमारे पास फॉर स्ट्रॉबेरी और ये हमारे पास क्रीम है। क्रीम की जो कॉस्ट है, यहाँ पे कॉस्ट को भी डाल दूंगा, वो बेसिकली इंक्रीज हो गई है। विच पॉइंट रिप्रेजेंट्स द न्यू इक्विलिब्रियम, जब आपकी स्ट्रॉबेरी फॉल होगी, जब आपकी सॉरी प्राइस ऑफ स्ट्रॉबेरी फॉल होगी, इससे आपका जो डिमांड है वो बेसिकली इंक्रीज होगी,
और जब आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग क्रीम इंक्रीज होगी, इस साल का जो सप्लाई है वो बेसिकली डिक्रीज होगी, ठीक है? तो ये दो इफेक्ट होंगे बेसिकली आपके, एक तो आपके डिमांड कर्व पे और दूसरा आपके सप्लाई कर्व पे। अभी हम एक्स पे हैं, करंटली वेयर एट एक्स, ठीक है? और पहले हम डिमांड को देखेंगे, डिमांड हमारी क्या हुई, इंक्रीज हुई, तो हम पहुंचेंगे सी पे। वी विल मूव फ्रॉम, आई विल जूम इट। सो बेसिकली वी विल मूव फ्रॉम एक्स टू सी, ठीक है? और बाद में जब हमारी सप्लाई इंक्रीज होगी, सॉरी हमारी जो है सप्लाई है वो बेसिकली डिक्रीज होगी बिकॉज ऑफ और इंक्रीज इन कॉस्ट, जिसकी वजह से हम सी से फिर शिफ्ट हो जाएंगे बी की तरफ। हेंस इसका आंसर बी होगा। सो इस तरह के क्वेश्चन को टू स्टेजेस के अंदर करना चाहिए, जिसमें आप जो आपका जो भी आपका है क्वेश्चन है उसको बेसिकली आप, एक मिनट, हाँ, उसको बेसिकली आप दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर दें। फॉर एग्जाम्पल ये दो पार्ट है, ठीक है? एक ये पार्ट है और दूसरा ये पार्ट है, इस आपके लिए ईजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, हंटर्स इन मोजाम्बिक वॉन्ट टू एक्सट्रैक्ट वाइल्ड हनी फ्रॉम बी हाइव्स, ठीक है? दे फाइंड द बी हाइव्स बाय फॉलोइंग बर्ड्स नोन एज हनी गाइड बर्ड्स हु वांट द बी वैक्स, बीज वैक्स दैट इज ऑल्सो फाउंड इन द बी हाइव्स। देखो अब हमारे पास एक बी हाइव के अंदर से हमें क्या मिल रहा है, अपना वाइल्ड हनी मिल रहा है और बीज वैक्स मिल रही है, और दोनों की डिमांड है, ठीक है? इसका मतलब कि हमारे पास ये दोनों चीज़ें, वाइल्ड हनी एंड और बीज वैक्स, ये बेसिकली जॉइंट सप्लाई के अंदर है, ठीक है? जॉइंट सप्लाई के अंदर है। व्हाट डज दिस सजेस्ट? ये कह रहे हैं कि हंटर्स एंड हनी गाइड बर्ड्स आर राइवल कंज्यूमर्स। नहीं, देखो वाइल्ड हनी टोटली डिफरेंट चीज़ है, ठीक है? जो बर्ड्स हैं उनको वाइल्ड हनी नहीं चाहिए, उनको इससे कोई लेना देना नहीं है, उनको खाली चाहिए बीज वैक्स, जबकि हंटर्स को बीज वैक्स नहीं चाहिए क्योंकि वो एक बाय प्रोडक्ट है और फिर उनको चाहिए खाली वाइल्ड हनी। हैंस ये राइवल कंज्यूमर्स नहीं, ये तो टोटली डिफरेंट कंज्यूमर्स हैं। तो ए इसका आंसर नहीं होगा। बी कह रहा है कि वाइल्ड हनी एंड बीज वैक्स आर फ्री गुड्स, टोटली रॉन्ग, फ्री गुड्स तो ये है नहीं है। सी कह रहा है कि वाइल्ड हनी एंड बीज वैक्स आर इन जॉइंट सप्लाई, एक्जैक्टली हमने पहले भी वहाँ पे बात की थी जॉइंट सप्लाई की। डी कह रहे हैं कि वाइल्ड हनी इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ बीज वैक्स, नो, ये तो जॉइंट सप्लाई है। इसका मतलब कि आपकी जब वाइल्ड हनी आप जब एक्सट्रैक्ट ज़्यादा करेंगे, अगर आपकी वाइल्ड हनी की सप्लाई इंक्रीज होगी तो उससे आपकी जो बीज वैक्स की है सप्लाई वो भी बेसिकली इंक्रीज होगी, क्योंकि ये दोनों एक ही चीज़ से बनती है, ये दोनों बी हाइव से ही बनती हैं। तो उसका आंसर सी होगा। सॉरी, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9, वट फॉलोज इज द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ गुड हैज़ अ वैल्यू ऑफ -0.2। अब हम बात कर रहे हैं नेगेटिव 0.2 की, ठीक है? तो जब जब भी हमारे पास जो हमारी जो वाई ई डी होती है वो जब भी हमारे पास नेगेटिव के अंदर आए, इसका मतलब क्या होता है कि ये वाली गुड हमारे पास इन्फीरियर है, ठीक है? इन्फीरियर है। हेंस इसका मतलब कि वैन इनकम राइजेज लेस ऑफ दैट स्पेसिफिक गुड इज बॉट। सो ए इज द करेक्ट आंसर। क्वाइट एन ईजी क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10, द डायग्राम। अच्छा हाँ, जो आपके पास, सॉरी, आपके पास जो होती है ना वाई ई डी, इसकी वैल्यूज याद याद रखना। अगर आपकी वाई ई डी है ग्रेटर देन 1, देन दिस मीन्स कि ये आपकी एक लग्जरी गुड है। और अगर आपकी वाई ई डी है लेस देन 1, देन दिस मीन, अच्छा, लेस देन 1 मगर ग्रेटर देन 0, ठीक है? सॉरी यार, माई बैड। हाँ, तो इसका मतलब है कि आपकी है नॉर्मल गुड। और अगर आपकी वाई ई डी इज नेगेटिव, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये आपकी इन्फीरियर गुड है, ठीक है? इन तीन वैल्यूज को याद रखना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10, द डायग्राम शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड फॉर आर नॉर्मल गुड। जी, हम बात करें नॉर्मल गुड की। अच्छा, अगर हम डायग्राम को देखें तो हम पहले थे हमारा जो था डिमांड कर्व और हमारा जो सप्लाई कर्व, दे यूज टू मीट एट हेयर, ठीक है? हमारा एक इक्विलिब्रियम था पी और क्यू पे। अब क्या हुआ कि हमारी डिमांड इंक्रीज हो गई है और डिमांड शिफ्ट टू द राइट, जिसके से अब हम एक न्यू पॉइंट पे हैं, आई विल कॉल इट E1, ठीक है? नाउ दे बेसिकली आस्किंग वट वुड कॉज द शिफ्ट टू D1, कि भाई हमारी जो डिमांड कर्व के आउटवर्ड शिफ्ट आया है वो क्यों आया है। ए कह रहा है कि डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड। देखो, अगर आपकी प्राइस ऑफ अ सब्सटीट्यूट गुड की अगर डिक्रीज आई है तो उससे आपकी जो डिमांड है वो बेसिकली फॉल करेगी, क्यों? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे दो आपके पास चॉकलेट है, एक है लोकल है और दूसरी है इम्पोर्टेड, ठीक है? अब अगर एक की इस लाइक फॉर एग्जाम्पल इम्पोर्टेड की प्राइस की डिक्रीज आई है तो फिर आप ऑफकोर्स आप इससे शिफ्ट होंगे इसकी तरफ, ठीक है?
और अगर इसकी प्राइस के अंदर इंक्रीज आएगी तो फिर ऑफकोर्स आप इससे शिफ्ट होंगे इसकी तरफ, सो इट्स कॉमन सेंस। तो अगर आपकी प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड के अंदर डिक्रीज आएगा तो फिर आपकी अपनी जो डिमांड है फॉर दिस स्पेसिफिक गुड जी जो है जिसकी बात करें उसके अंदर डिक्रीज आएगा, ना कि उसके अंदर इंक्रीज आएगा। सो ये गलत आंसर है क्योंकि हम यहाँ पे इंक्रीज देख रहे हैं। अ फॉल इन द लेवल ऑफ एडवर्टाइजिंग फॉर द गुड जी, ये भी गलत, क्योंकि देखो अगर आपकी लेवल ऑफ एडवर्टाइजिंग अगर आपकी ख़त्म हुई है जी की या फिर कम हुई है, इससे आपकी जो डिमांड है वो बेसिकली नीचे गिरेगी, लोगों को कम पता होगा कि इस चीज़ के बारे में, हेंस इट विल फॉल। सी कह रहे हैं कि राइज इन द प्राइस ऑफ गुड जी, अगर हमारी प्राइस ऑफ गुड जी के अंदर राइज होती तो फिर हमारी डिमांड फिर से फॉल होती है, ठीक है, और ना कि हमारी डिमांड इंक्रीज होती है। तो सी इसका आंसर नहीं है। डी कह रहा है एन इंक्रीज इन द इनकम्स ऑफ कंज्यूमर, एग्जैक्टली, अगर आपकी इनकम आपकी आपकी बढ़ गई है नाउ यू कैन कंज्यूम मोर, ठीक है, तो जब आपकी इनकम बढ़ती है तो फिर आपकी एग्रीगेट डिमांड है दैट टू बेसिकली इंक्रीज, क्यों, क्योंकि आपकी जो कंजप्शन है वो बेसिकली इंक्रीज होती है जिसकी वजह से आपकी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होती है, ठीक है, और जब आपकी इनकम बढ़ती है तो फिर यू टेंड टू सेव लेस, ये भी याद रखना, ठीक है। तो उसका आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 11, वट इज़ द मोस्ट लाइकली टू कॉज एन इंक्रीज इन द कंज्यूमर सरप्लस इन द मार्केट फॉर अ नॉर्मल गुड। देखो अब हम बात कर रहे हैं इंक्रीज, अच्छा हम बात करें मोस्ट लाइकली, ठीक है, टू एन इंक्रीज इन द कंज्यूमर सरप्लस। ए कह रहा है एन इंक्रीज इन कंज्यूमर इनकम्स, ये करेक्ट आंसर है, क्यों, क्योंकि देखो फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक है, मैं उसको ग्राफ बना देता हूँ, ये आपका सप्लाई कर्वे, ये आपकी डिमांड कर्वे, ये आपका इक्विलिब्रियम है एट दिस करंट प्राइस, ठीक है, और ये आपकी क्वांटिटी है, ठीक है, सप्लाई कर्व डिमांड कर्व। अभी आपका जो कंज्यूमर सरप्लस होगा वो डिफाइंड होगा इस लाइट ब्लू कलर से, मैं दिखा रहा हूँ आपको, इट इज़ द एरिया बिलो द डिमांड कर्व बट अबव द प्राइस लाइन, ठीक है, तो ये आपका कंज्यूमर सरप्लस है अभी के लिए। अब हुआ ये है कि जो आपकी जो हमारे पास सरप्लस को हमने इंक्रीज करना, ठीक है, तो जब आपकी इनकम इंक्रीज होगी तो आपकी डिमांड इंक्रीज होगी, जिससे हमने पहले जो कस्टमर 10 के अंदर बात की थी, तो जब आपकी डिमांड शिफ्ट होगी टू द राइट, ठीक है, सो अब क्या होगा कि आपकी जो न्यू कंज्यूमर सरप्लस होगा वो बेसिकली, अच्छा आपकी प्राइस भी आपकी हो जाएगी इंक्रीज, क्योंकि नाउ वी आर एट दिस इक्विलिब्रियम। एक मिनट, अब हम पहले यहाँ पे थे और अब हम यहाँ पे आ गए, ठीक है, तो ये एक न्यू पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट, ठीक है, दिस इज P1, वी शिफ्टेड टू P, वी शिफ्टेड फ्रॉम पी टू P1, ठीक है। अब हमारा जो न्यू इक्विलिब्रियम होगा वो बेसिकली ये सारा होगा, ये पूरा हमारा इक्विलिब्रियम होगा, और अगर देखा जाए विजुअली सो दिस ट्राइंगल इज बिगर देन द प्रीवियस वन, ठीक है, तो हैंस आपकी जो है कंज्यूमर सरप्लस है वो बेसिकली आपका इंक्रीज हो जाएगा। बी रॉन्ग है, क्योंकि देखो अगर आपका नंबर ऑफ सब्सिट्यूट गुड्स के अंदर आपकी इंक्रीज आता उस हिसाब का कंज्यूमर सर्विस बेसिकली गिरेगा, क्यों, क्योंकि नाउ यू हैव मोर चॉइस, और जब आपके पास मोर चॉइस होती है सो देन यू कैन शिफ्ट इजीली टू अनदर गुड, आपका कंज्यूमर सर्विस से गिर जाता है ना कि बढ़ता है, ठीक है। सी कह रहा है कि एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ कम्प्लीमेंट्री गुड, अगर आपकी प्राइस ऑफ अ कम्प्लीमेंट्री गुड बढ़ेगी इससे तो आपकी डिमांड कम होगी, और डिमांड कम होने से आपका जो कंज्यूमर सरप्लस है उसका एरिया कम होगा। डी कह रहे हैं एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड, नहीं, सेम थिंग, अगर आपकी प्राइस इंक्रीज होगी इससे आपका डिमांड कम होगा, और डिमांड कम होने से आपका जो है कंज्यूमर सरप्लस वो भी आपका डिक्रीज होगा, तो उसका आंसर ए है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12, द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अब हम बात करें एक्स ई डी की, ठीक है, यहाँ पे देखता हूँ एक्स ई डी, बिटवीन टू टू प्रोडक्ट्स एक्स एंड वाई इज नेगेटिव, अच्छा वट वुड बी द इमीडिएट इफेक्ट ऑफ अ राइज इन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट वाई, अच्छा यहाँ भी याद रखना तीन वैल्यूज होती हैं हमारे एक्स सी डी की, अगर आपकी एक्स सी डी है पॉजिटिव तो फिर ये जो दोनों गुड्स हैं ये हैं सब्सटीट्यूट्स, अगर आपकी एक्स सी डी है ज़ीरो देन बोथ गुड्स आर अनरिलेटेड, ठीक है, और अगर आपकी एक्स सी डी आ रही है नेगेटिव देन बोथ गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है, या फिर कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो अब हम बात करें नेगेटिव की बात करें, ठीक है, सॉरी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारी एक की प्राइस बढ़ेगी तो दो दो तो जो है दूसरी है उसकी भी डिमांड सॉरी उसकी डिमांड गिरेगी, इसका यहाँ पे इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, अगर आपकी एक की प्राइस बढ़ेगी तो दूसरे की डिमांड गिरेगी, और अगर आपकी एक की प्राइस गिरेगी तो दूसरे की डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, वी हैव टू सिनेरियोज़। वट वुड द इमीडिएट इफेक्ट ऑफ अ राइज इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट वाई, अब हम बात कर रहे हैं इस सिनेरियो की, अगर आपकी वाई की प्राइस बढ़ी है तो आपकी जो एक्स होगा उसकी डिमांड बेसिकली गिर जाएगी, ठीक है, हेंस
क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ प्रोडक्ट एक्स विल फॉल, तो उसका आंसर ए होगा। इन तीन वैल्यूज़ को याद रखना है, जो तीन है ना एक्स डीज की वैल्यूज, ये बस याद रखना। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13, विच कम्बिनेशन ऑफ इवेंट्स इज मोस्ट लाइकली टू लीव द डिमांड कर्व फॉर आर नॉर्मल गुड इन द सेम पोजिशन। अब बात करें कि भाई नो इफेक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। ए कह रहे हैं अ डिक्रीज इन कंज्यूमर्स इनकम, ठीक है, हम इसको हाफ करेंगे। डिक्रीज इन कंज्यूमर इनकम, देखो जब आपकी कंज्यूमर इनकम के अंदर डिक्रीज आएगा, इससे क्या होगा कि आपकी जो एग्रीगेट डिमांड है वो बेसिकली गिर जाएगी, और जब आपकी एग्रीगेट डिमांड गिरेगी इससे आप क्या होगा, आपकी जो है कंजप्शन है वो आपकी गिरेगी, आपकी जो सेविंग्स है वो बेसिकली टू इंक्रीज, ठीक है। एन इंक्रीज, अच्छा, एंड एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ सब्सिट्यूट गुड, आप जब आपकी प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड बढ़ेगी तो आपकी बेसिकली डिमांड इंक्रीज होगी, क्यों, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो गुड्स हैं एक्स एंड वाई, और आपकी ए की प्राइस इंक्रीज हुई है, दोनों सब्सिट्यूट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये है कोला और ये है पेप्सी, तो जब कोला की प्राइस बढ़ेगी तो जो आपकी पेप्सी है उसकी बेसिकली डिमांड इंक्रीज होगी, क्यों, क्योंकि नाउ पीपल कैन नॉट अफोर्ड दिस, और जो इसको अफोर्ड नहीं करते वो उसकी सिमिलर चीज़ बन जाएंगे, और जो नेक्स्ट बेस्ट थिंग जो उनको होगी वो उनको लगेगी पेप्सी, हेंस जो पेप्सी की डिमांड है दैट विल बेसिकली इंक्रीज, ठीक है। तो ए इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि सही, हाँ बल्कि ए इसका आंसर है, क्योंकि अब पहले हम थे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम उसको ग्राफ पे दिखाएं, ये सप्लाई कर्वे, ये हमारी डिमांड कर्वे, तो पहले हमारी डिमांड गिरी है, क्यों, बिकॉज बिकॉज ऑफ अ फॉल इन आवर कंज्यूमर इनकम्स, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर हमारी सब्सिट्यूट जो है जो गुड है उसकी प्राइस बढ़ गई, जिसकी वजह से हमारी डिमांड वापस अपने ही पोजीशन पे आ गई, यहाँ पे इवन पे आ गई। अच्छा, ये हम अजम के ये हम उस वक्त करेंगे जब हमारे पास अजम्पशन होगा कि जो चेंज है इट्स इक्वल, वैसे नॉर्मली हमारा जो चेंज होता है वो इतना इक्वल होता नहीं है, मगर इसका आंसर ए होगा क्योंकि हम यहाँ पे एक अजम्पशन लेंगे। बी कह रहे हैं डिक्रीज इन कंज्यूमर इनकम, देखो जब आपकी डिक्रीज होगी तो आपकी डिमांड गिरेगी, और एंड एंड इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द गुड, इससे क्या होगा आपकी डिमांड फर्दर गिरेगी, या आपको दो डिमांड गिरेगी, तो इससे आपके बेसिकली नो इफेक्ट नहीं होगा। सी कह रहे हैं एन इंक्रीज इन कंज्यूमर इनकम, इससे आपकी डिमांड बेसिकली इंक्रीज होगी, एंड एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ सब्सिट्यूट गुड, इससे क्या होगा कि आपकी जो डिमांड है वो बेसिकली सब्सिट्यूट गुड है ना, उसकी जब प्राइस बढ़ेगी तो आपकी डिमांड बेसिकली यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी उसी गुड की। डी कह रहे हैं एन इंक्रीज इन कंज्यूमर इनकम, इससे आपकी डिमांड बढ़ेगी, सॉरी एन इंक्रीज इन कंज्यूमर इनकम, एंड एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द गुड, इससे आपकी डिमांड बेसिकली गिरेगी, ठीक है। तो ये भी वैसे हो सकता है आंसर, हाउएवर आंसर इसका ए है, क्योंकि जब आपकी प्राइस ऑफ गुड उसमें आपकी इंक्रीज होगी, ठीक है, तो उससे आपकी डिमांड जो गिरेगी, वी डू नॉट नो कि हमारी जो कंज्यूमर इनकम है वो कितनी से इंक्रीज हुई, क्योंकि अक्सर होता है कि जब हमारी इनकम इंक्रीज होती है सो देन वी कैन अफोर्ड मोर, ठीक है, हैंस हमारी जो प्राइस ऑफ गुड जो हमारी इंक्रीज हुई है इससे हम पर इतना इफेक्ट नहीं होगा, फिर हमारी डिमांड इट मे रिमेन स्टेबल, ठीक है, सो दिस इफेक्ट मे नॉट हैपन। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांसफर पेमेंट, ट्रांसफर पेमेंट हमारे पास कौन सी होती है, ट्रांसफर पेमेंट जो हमारे पास होती हैं वो उस तरह की पेमेंट्स होती हैं, फिर वो वाली जो हम कैश देते हैं लोगों को जिसके बदले में हमें कुछ ना मिले, नो सर्विसेज, ठीक है। उसकी जो एक एग्जाम्पल है वो है हमारे पास किस चीज़ की होगी, हाँ अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स की, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, ठीक है। तो ए कह रहा है द एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर ऑफ अ फर्म, नहीं, इससे बेसिकली फर्म की जो पॉपुलरिटी है वो उसकी बढ़ती है, और जो उसकी डिमांड है वो बेसिकली बढ़ती है, उसकी जो है प्रोडक्ट्स की डिमांड, तो उसको बेसिकली इन इन रिटर्न उसको एक सर्विस मिल रही है, उसको एक फ़ायदा हो रहा है। बी कह रहा है द अलाउंस गिवन बाय अ पेरेंट टू द चाइल्ड व्हाइल एट स्कूल, एग्जैक्टली, देखो अब जो पेरेंट्स ने दी है इससे पेरेंट्स को क्या फ़ायदा हो रहा है, पेरेंट्स को तो जो बच्चा है वो स्कूल से कोई कोई खाने पीने की चीज़ नहीं, पेरेंट्स के लिए तो नहीं ला रहा ना, ना ही वो उनके लिए शॉपिंग कर रहा है, ना ही वो उनकी कुछ और कर रहा है, हेंस इट इज़ अ ट्रांसफर पेमेंट जस्ट एज और यू नो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स जो कि हमारी गवर्नमेंट देती है हमारे अनएम्प्लॉयड लोगों को। सी कह रहा है द रेंट पे टू अ लैंड ओनर बाय अ टेनेंट फार्म, देखो जो रेंट होता है ना उसके बदले में हमें हमें क्या मिलता है, जो हमारे पास कैपिटल होता है या फिर हमारे पास जो लैंड होता है, ठीक है, वो हमें उसके बदले में मिलता है, ठीक है। तो हमारे पास जब भी कोई चीज़ बदले में आ जाती है देन इट इज़ नॉट अ ट्रांसफर पेमेंट। डी कह रहा है द वेज पे टू अ वर्कर इन द गवर्नमेंट सर्विस, देखो वेज होती है वो आपकी मेहनत और आपकी जो टाइम होता है उसके लिए आपको आपको मिलती है, ठीक है, पर आवर वेज होती है, पर डे वेज आपकी जो वेज होती है, पर वीक वेज होती है, पर मंथ एनुअली वेज होती है आपकी, हैंस ये भी एक ट्रांसफर पेमेंट नहीं है, उसका आंसर बी होगा। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15, टू मच शुगर कॉजेज एन इंक्रीज इन कंज्यूमर वेट्स, ठीक है,
गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस अ शुगर टैक्स ऑन द कंजप्शन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स दैट हैव अ हाई शुगर कॉन्टेंट. हाउ माइट दिस पॉलिसी हेल्प टू रिड्यूस द नंबर ऑफ ओवरवेट पीपल. देखो जब आप टैक्स आप किसी चीज़ पे लगाएंगे, इससे क्या होगा कि आपके पास जो उसकी जो प्राइस होगी, ठीक है, वो बेसिकली बढ़ जाएगी. जब प्राइस बढ़ेगी तो उसकी जो कंजप्शन है या फिर उसकी एग्रीगेट डिमांड है वो बेसिकली फॉल करेगी, ठीक है. यही कह रहा है कि कंज्यूमर स्विच टू चीपर ब्रांड्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक विद हायर शुगर कंटेंट. इससे तो आपको आपका बल्कि उल्टा नुकसान हुआ है, ठीक है, फ़ायदा नहीं हुआ इससे. सॉरी इसका रॉन्ग करूँगा, दिस इज रॉन्ग. बी कह रहा है कि कंज्यूमर स्विच टू अदर हायर शुगर सब्सटीट्यूट गुड्स सच एज अल्कोहल एंड स्वीट्स. इससे भी आपको बल्कि उल्टा आपके वर्सन हुई जो है सिचुएशन. सी कह रहा है द पी ई डी ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इज़ इन इलास्टिक. अगर ये इन इलास्टिक होती तो प्राइस इंक्रीज होने से आपकी जो डिमांड है इट मे रिमेन स्टेबल, ठीक है, तो ये भी नहीं है. डी कह रहा है द टैक्स रेवेन्यू इज स्पेंड ऑन एजुकेशन अबाउट द डेंजर्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक कंजप्शन. एग्जैक्टली, क्योंकि देखो उन्होंने बात किया हाउ मच दिस पॉलिसी हेल्प टू रिड्यूस द नंबर ऑफ ओवर एज पीपल. तो जब हम जो उसका टैक्स रेवेन्यू होगा जो कि हमने सॉफ्ट ड्रिंक के ऊपर लगाया या फिर जो हमने शुगर जो टैक्स लगाया उसका अगर हम जो टैक्स रेवेन्यू वो यूज़ करें इन ऑर्डर टू एजुकेट पीपल अबाउट द डेंजर ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक कंजप्शन, तो उससे हमारी जो कंजप्शन होगी वो बेसिकली गिरेगी. तो उसका आंसर डी होगा. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16. अ गवर्नमेंट इंटेंड्स टू इंट्रोड्यूस अ मैक्सिमम प्राइस फॉर राइट सॉरी फॉर राइस अ मैक्सिमम प्राइस फॉर हीटिंग ऑयल एंड अ टैक्स ऑन च्यूइंग गम्स. देखो सिंपल सी बात है, जब आप राइस पे लगाएंगे मैक्सिमम प्राइस सॉरी मिनिमम प्राइस की बात करें तो मिनिमम प्राइस हमेशा किसके लिए लगता है दिखाता हूँ एक मिनट. मिनिमम प्राइस हमेशा हमारा लगता है प्रोड्यूसर्स के लिए, ताकि प्रोड्यूसर्स को फ़ायदा हो, उनकी प्राइसेस एक स्टैंडर्ड के अबव हो, ताकि उनको जो उनकी इनकम है वो बेसिकली इंक्रीज़ हो. और ये अक्सर फार्मर्स लोगों के लिए होता है. जो मैक्सिमम प्राइस होता है वो बेसिकली किसके लिए वो होता है, मैक्सिमम प्राइस होता है कंज्यूमर्स के लिए ताकि उनको एक्सप्लॉयट ना ही वो लाइक वो लोग एक्सप्लॉयट ना हो. और जो टैक्स होता है टैक्स बेसिकली होता है हमारी गवर्नमेंट के लिए, ताकि उसको एक रेवेन्यू मिले. Hence, who in each market is meant to benefit from these policies? Market for rice, producers. Market for heating oil, consumers. तो यहाँ बात करें consumers, sorry ये नहीं. And market for chewing gum, government. तो यहाँ पे आ जाएगी government. Hence, इसका आंसर होगा D. Quite an easy question. Question number 17. A southern African government was concerned about the market influence of a large producer and was keen to take control of the company. देखो गवर्नमेंट हमेशा उस वक्त किसी भी जो है कंपनी है उसका कंट्रोल लेती है जब उसको उससे ख़तरा होता है, ठीक है. और यहाँ पर उन्होंने बता दी कि लार्ज प्रोड्यूसर, इसका मतलब क्या हम बात कर रहे हैं मोनोपोली की, ठीक है, उससे इसको ख़तरा था. वट माइट बी द पॉसिबल रिजल्ट ऑफ दिस. ए कह रहे हैं एन इंक्रीज इन द रोल ऑफ द मार्केट. गलत, इससे आपका रोल ऑफ द मार्केट में बेसिकली डिक्रीज़ होगा क्योंकि आपके पास एक लार्ज प्रोड्यूसर चला गया. अच्छा, एन इंक्रीज इन पब्लिक ओनरशिप. एग्जैक्टली, क्योंकि जिस चीज़ से ख़तरा होगा तो फ़ौरन जो गवर्नमेंट होगी वो उसको वो कर लेगी, नेशनलाइज कर लेगी, ठीक है. तो उसकी जो ओनर है या फिर जो उसकी ओनरशिप है वो बेसिकली वो अपने पास ले लेगी. सी कह रहा है एन इंक्रीज इन द रोल ऑफ द कंज्यूमर्स. नहीं, ये टोटली अनरिलेटेड है. और डी कह रहा है एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कंपटीशन. ये भी हो सकता है, मगर उन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि गवर्नमेंट ने जो है उसको नेशनलाइज कर लिया. अगर उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया होता कि गवर्नमेंट ने उसको नेशनलाइज कर लिया तो उससे ये होता कि भाई आपकी जो मार्केट है फॉर एग्जांपल इसका एक मेजर पार्ट इस मोनोपोली के पास है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला पार्ट. तो अगर ये वाला पार्ट सारा बाहर चले जाए तो जो पीछे यहाँ पे वर्ड बचेगी यहाँ पे और हमारे पास आएंगे जो छोटे फर्म्स हैं वो हमारे पास यहाँ पे आके इस शेयर को लेंगे अपने लिए, ठीक है. हैंस योर फेस एंड इंक्रीज इन योर कॉम्पिटिशन. मगर ये उस वक्त होता जब हमें उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि नेशनलाइज कर ली गई है, ठीक है. तो डी भी इसका आंसर नहीं है. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18. व्हाट डिस्क्राइब्स अ रिग्रेसिव टैक्स. आपके पास जो होता है रिग्रेसिव टैक्स होता है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, वो हमेशा आपके पास होते हैं इनकम इनइक्वालिटी को बेसिकली वो इनकम इनइक्वालिटी को बेसिकली वर्सन करते हैं, वो उसको उल्टा इंक्रीज करते हैं, ठीक है. और जो आपके पास होती है प्रोग्रेसिव टैक्स वो बेसिकली आपकी इनकम इनइक्वालिटी को इम्प्रूव वो उसको इम्प्रूव करते हैं कि आपकी जो इनकम इक्वालिटी है. हाँ, यहाँ पे आ गई इक्वालिटी और वहाँ पे आएगी इनकम इनइक्वालिटी, ठीक है.
एक कह रहा है कि वट डिस्क्राइब्स द, अच्छा हाँ, वट डिस्क्राइब्स द रिग्रेसिव टैक्स। एक कह रहा है ऑल टैक्स पेयर्स पे द सेम प्रोपोर्शन ऑफ इनकम इन टैक्सेस। अगर ये सेम प्रोपोर्शन करते देन इट विल नॉट बी ए रिग्रेसिव और इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, ये हमेशा होता प्रोपोर्शनल टैक्स होता है, प्रोपोर्शनल टैक्स। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि देखो हाई इनकम अर्नर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप, आपकी इनकम है 500, ठीक है, और एक और बंदा है उसकी इनकम है 5 डॉलर। ठीक है, अब टैक्स आपने लगाया है जो आपके पास रिग्रेसिव टैक्स होते हैं वो उसका क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल 5% होगा। ठीक है, अब 5% अगर हम इसका निकालें तो इसके पास पीछे कितना बचेगा, 2.5 डॉलर, जबकि इसके पास कितना बचेगा, समथिंग 490, आई डोंट नो, मुझे लाइक मेरा मेरा इतना अच्छा नहीं है एनीवेज, पर इसका बहुत कम हिस्सा जा रहा है जबकि इसका हाफ हिस्सा पूरा जा रहा है, इसका हाफ हिस्सा। ठीक है, हैंस हायर इनकम अर्नर्स पे अ लोअर प्रोपोर्शन ऑफ इनकम इन टैक्सेस देन लो इनकम अर्नर्स, दैट्स व्हाई इट इज रिग्रेसिव एंड हैंस इट प्रोमोट्स इनकम इन इक्वालिटी। सी कह रहे हैं कि हाई इनकम अर्नर्स पे ना, दोनों रॉन्ग है, क्योंकि हम यहाँ पे मोर की बात नहीं कर रहे, पे लेस और पे मोर की बात नहीं कर रहे। जब भी हम टैक्सेस की बात करते हैं और जब उनकी टाइप्स की बात करते हैं, देन वी आर ऑलवेज एंड ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम। ठीक है, क्योंकि भाई कितना हिस्सा उसमें से जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 500 है तो मेरा कितना हिस्सा जा रहा है उसमें से बाहर, जबकि जो मेरे पास अगर 5 डॉलर में अगर कमा रहा हूँ तो मेरा आधा आधा हिस्सा जा रहा है, ना कि ये कि मैं आधा पे कर रहा हूँ, मेरा ये नहीं है, आधा हिस्सा जा रहा है। ठीक है, हिस्सा प्रोपोर्शन की बात करते हैं, तो इसका आंसर बी होगा। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19, अ कंट्री हैज अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, लेट मी जस्ट इरेज दिस ऑल। वैसे ही ना याद रखना, क्योंकि अक्सर बच्चों ने गलती की है इसमें, कि जो आपके पास रिग्रेसिव टैक्स होते हैं और जो आपके पास जो आपके पास होते हैं दूसरे क्या क्या कहते हैं उनको, प्रोग्रेसिव टैक्स, उन दोनों में बच्चे ये याद नहीं रखते कि भाई हम वैल्यू की बात नहीं करेंगे, हम प्राइस की बात नहीं करेंगे, ना ही हम क्वांटिटी की बात करेंगे, हम बात करेंगे प्रोपोर्शन की, हिस्से की बात करेंगे। ठीक है, एक है हाँ, कंट्री अ कंट्री हैज़ अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। ठीक है, फिक्स एक्सचेंज रेट है, विच कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉब्लम्स वुड बी द मोस्ट लाइकली टू कॉज द कंट्रीज गवर्नमेंट टू रिड्यूस टैक्सेशन एंड लोअर इंटरेस्ट रेट्स। देखो, रिड्यूस टैक्सेशन और फिर लोअर इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या है कि हम बात कर रहे हैं अपनी एक्सपेंजनरी पॉलिसी की। ठीक है, या फिर कह सकते हो फिस्कल पॉलिसी की। एक कह रहा है कि डिमांड इन्फ्लेशन एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट करंट अकाउंट डेफिसिट। देखो, अगर आपके पास डिमांड इन्फ्लेशन होती, ठीक है, तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि आपके पास डिमांड इन्फ्लेशन से आपकी जो जो है अगर आप जो गवर्नमेंट होगी वो ऑफ कोर्स एक कंट्रेक्शनरी पॉलिसी लगाएगी ताकि वो आपकी जो डिमांड है वो बेसिकली डिक्रीज हो। ठीक है, अगर आप उल्टा एक्सपेंशनरी पॉलिसी लगा देंगे इससे बेसिकली आपकी डिमांड और भी इंक्रीज होगी, और से देन यू विल बी एंटरिंग द जोन ऑफ हाई इन्फ्लेशन या फिर हाइपर इन्फ्लेशन, जस्ट एज इट हैपेंड इन जिम्बाब्वे इन 2019। तो डिमांड इन्फ्लेशन नहीं होगी। सी कह रहा है कि हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड अ बैलेंस ऑफ पेमेंट करंट अकाउंट डेफिसिट, ये भी रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि देखो, हाई अनएम्प्लॉयमेंट हुई तो फिर सही है, क्योंकि आपके पास जब अनएम्प्लॉयमेंट होती है तो उसका मतलब कि लोग पुअर हैं। ठीक है, तो हेंस यू ट्राई टू इंक्रीज योर एग्रीगेट डिमांड, यू ट्राई टू ब्रिंग एन यू नो ब्रिंग अ राइज इन योर कंजप्शन, तो फिर वो आपके पास एक्सपेंजरी पॉलिसी होगी। मगर अगर आपके पास बैलेंस ऑफ अकाउंट जो आपका है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसमें उसमें अभी आपका डेफिसिट है, तो जब आप एक्सपेंजरी पॉलिसी लगाएंगे इससे क्या होगा कि भाई आप गवर्नमेंट स्पेंडिंग बेसिकली आपकी इंक्रीज होगी। ठीक है, और लोअर इंटरेस्ट रेट का मतलब कि भाई आपको इतना जो रेवेन्यू वो भी आपको नहीं मिल रहा, तो इससे यह होगा कि आपके पास जो गवर्नमेंट का जो डेफिसिट होगा वो बेसिकली और भी डीपर होगा, वो बेसिकली इंक्रीज करेगा। ठीक है, डी है कह रहा है कि हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। एग्जैक्टली, जब भी हमारे पास हाई अनएम्प्लॉयमेंट होती है तो इसका मतलब कि भाई हमारी कंजम्पशन गिरी हुई है, और कंजम्पशन को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट स्पेंड करती है, इट यूजेज इट्स एक्सपेंशनरी पॉलिसीज। और जब भी आपके पास लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है तो उसका मतलब कि भाई आपकी एग्रीगेट डिमांड गिरी हुई है, और एग्रीगेट डिमांड को शिफ्ट करने के लिए भाई क्या हम लोग क्या क्या करते हैं, उसका बल्कि फार्मूला भी है, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है, इसमें से कोई भी एक कंपोनेंट बढ़ जाए, किसी भी एक कंपोनेंट को अगर हम बढ़ा दें तो हमारी एग्रीगेट डिमांड बेसिकली इंक्रीज होगी, तो उसका आंसर डी है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20, हाउ कैन अ चेंज इन कंजप्शन दैट इंक्रीजेज अनएम्प्लॉयमेंट बी इलस्ट्रेटेड ऑन एन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई डायग्राम। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करें चेंज इन कंजप्शन दैट इंक्रीजेज अनएम्प्लॉयमेंट, लेट मी जस्ट इरेज ऑल दिस अदर स्टफ, कि वो कौन सा चेंज होगा इन इन कंजप्शन के जिसकी वजह से आपकी अनएम्प्लॉयमेंट में बेसिकली इंक्रीज आए। ठीक है,
तो हम दिखाएंगे उसको यहाँ पे, ये हमारे पास है एग्रीगेट सप्लाई और ये एग्रीगेट डिमांड, ठीक है, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम। तो अब फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे पास क्वांटिटी है क्यू वन और प्राइस है हमारे पास यहाँ पे पी वन। अब हुआ क्या है कि अगर हमारे पास एग्रीगेट डिमांड अगर हमारी गिर जाए, फॉर एग्जाम्पल यू हो जाए, ठीक है, इससे ये होगा कि वी विल शिफ्ट फ्रॉम, आई विल जस्ट चेंज कलर्स, वी विल शिफ्ट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ठीक है, और हमारे पास जो न्यू क्वांटिटी होगी ये वाली क्यू टू वो बेसिकली गिर जाएगी, ठीक है, क्यू वन से क्यू टू पर जब जाएंगे तो फिर इसका मतलब कि हमारी सप्लाई गिर गई है। जब हमारी एग्रीगेट सप्लाई गिरेगी इसका मतलब कि भाई हमारे पास जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बेसिकली इंक्रीज़ करेगी, कि हम लोगों को ले ऑफ करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास इतने रेवेन्यू नहीं हो रहा कि हम उतना प्रोड्यूस करें, ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास डिमांड गिर गई है और आपकी जो प्राइस होगी वो भी बेसिकली आपकी गिर जाएगी टू पी टू, ठीक है। तो ये जो ये वाला इफेक्ट है जो क्यू वन से लेकर क्यू टू तक, ये बेसिकली हमारे अनएम्प्लॉयमेंट को बेसिकली राइज करेगा, ठीक है। तो इफेक्ट ऑन द एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट इनवर्स, देखो हम पहले डी पे थे और देन वी शिफ्टेड इनवर्स, हैंस आपका शिफ्ट इनवर्स होगा। इफेक्ट ऑन द एग्रीगेट सप्लाई कर्व, एग्रीगेट सप्लाई कर्व में देखें तो पहले हम थे यहाँ पे, इसको कर दूंगा एस वन, और अब हम पहुँच गए हैं, लेट मी रिज़ॉल्व ऑल दिस, ठीक है, और अब हम पहुंच गए हैं अपने, पहले हम S1 पे थे और अब हम पहुंच गए S2 पे यहाँ पे, ठीक है। तो उसका मतलब क्या हुआ, मूवमेंट डाउन द सप्लाई कर्व, तो उसका आंसर सी होगा, क्वाइट एन इजी क्वेश्चन। इसको भी हम दो पार्ट में करते हैं भाई, पहले हम देखते हैं कि डिमांड कर्व में क्या इफेक्ट आया, फिर हम देखते हैं कि आपके जो सप्लाई कर्व है उसमें आपको क्या इफेक्ट आया। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 21, वट इज़ नॉट एन आइटम, अच्छा यहाँ बात कर रहे हैं हम नॉट की बात कर रहे हैं, वट इज़ नॉट एन आइटम इन अ कंट्रीज करंट अकाउंट ऑफ इट्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। हमारे जो करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट होते हैं उसके अंदर चार चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ ट्रेड इन सर्विसेज एंड गुड्स, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है हमारे पास नेट इनकम, और तीसरी चीज़ होती है हमारे पास नेट ट्रांसफर्स, ठीक है। एक कह रहे हैं एक्सपोर्ट्स ऑफ इट्स प्राइमरी कम्योडिटीज़, कम्योडिटीज़ क्या होती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, हैंस ये आपका इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर करंट अकाउंट, जबकि हाँ उन्होंने बात की है नॉट की। बी कह रहे हैं मनी रिसीव फ्रॉम बैंकिंग सर्विसेज, देखो जब आपके पास मनी होता है रिसीव होता है तो बैंकिंग सर्विसेज से ये बेसिकली आपको रिसीव हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपके किस पार्ट में आएगा, ये आपके नेट इनकम्स के अंदर आएगा, तो ये भी इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर करंट अकाउंट। सी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो आपको ओवरसीज इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है, वो बेसिकली नहीं आपके नेट इनकम के अंदर आती है, नहीं वो नेट ट्रांसफर्स के अंदर आती है। इन्वेस्टमेंट से जो आपको प्रॉफिट मिलता है वो बेसिकली आपके नेट इनकम्स के अंदर आती है, ठीक है, ना कि जो इन्वेस्टमेंट इटसेल्फ है वो। डी कह रहे हैं प्रॉफिट्स एंड सेंड बैक बाय कंपनीज ओवरसीज, एक्जैक्टली जो प्रॉफिट हमें जो मिलता है वो बेसिकली आपके नेट इनकम का हिस्सा होता है, ठीक है, एंड वी इंक्लूड दिस एज एन आइटम इन आवर करंट अकाउंट डेफिसिट, जबकि हमारे इन्होंने कहा है कि वट इज़ नॉट एन आइटम और इसमें हमारे आते हैं ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, तो उसका आंसर सी है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 22, अ कंट्री डिसाइड्स टू रिमूव ऑल ऑफ इट्स टैरिफ्स एंड एंगेज इन फ्री इंटरनेशनल ट्रेड, वट विल बी द फाइनल डिसीजन द कंट्री हैज़ टू मेक बिफोर फ्री ट्रेड टेक्स प्राइस, ये आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ मगर जो फाइनल डिसीजन होता है वो हमेशा होता है आपके एक्सचेंज रेट के बारे में होता है, कि भाई हमारी एक्सचेंज रेट किस तरह की, उसका एक एनालिसिस होता है, फिर वो चेक करते हैं कि कौन सी सबसे बेस्ट वो है एक्सचेंज रेट, फिर उस एक्सचेंज रेट को जो बेस्ट एरिया होता है उसके बीच में लाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके अगर वो फ्लक्चुएट कर रही है या फिर वो के बहुत ज़्यादा ऊपर है तो दे विल ब्रिंग इट डाउन एंड देन इट विल बी समथिंग लाइक दिस, और अगर वो बहुत ज़्यादा डाउन है देन दे विल ट्राई टू इंक्रीज इट एंड ब्रिंग यू नो इन दिस एरिया। तो ये हमारे होता है लास्ट, और जो हमारा फाइनल डिसीजन होता है वही होता है। ए कह रहा है कि डिसाइडिंग विच रिसोर्सेज टू एलोकेट टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, ये आपकी फर्स्ट जो डिसीजन होता है उस ये आपकी उसमें से होता है, ठीक है, इन्होंने बात की फाइनल डिसीजन की बात की। बी डिसाइडिंग विच गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोवाइडेड फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, ये भी आपके जो फर्स्ट कुछ हिस्से होते हैं उसके अंदर आता है। सी कह रहा है आइडेंटिफाइंग द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच माइट बी यूज फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, ये भी आपके जो इनिशियल डिसीजन होते हैं या फिर आपके जो इनिशियल स्टेप्स होते हैं उसके अंदर आते हैं। लास्ट थिंग होती है हमारे पास अप्रोप्रिएट एक्सचेंज रेट, तो हमारे पास डी इज द करेक्ट आंसर।
मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट व्हेन ड्रॉइंग एन एग्रीगेट डिमांड कर्व। अब बात करें कि हमारा जो एग्रीगेट डिमांड कर्व होता है उसमें हम क्या एज्यूम करते हैं कि वो कांस्टेंट है। तो ए कह रहा है गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू, नहीं इट्स टोटली अनरिलेटेड। बी कह रहा है इंटरेस्ट रेट्स, ये भी टोटली अनरिलेटेड। सी कह रहा है लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी हम इससे पता नहीं लगा सकते डिमांड कर्व से। और डी कह रहा है द मनी सप्लाई। एक्जैक्टली हम अज्यूम करते हैं कि हमारी मनी सप्लाई सेम है। अगर हमारी मनी सप्लाई इंक्रीज या फिर डिक्रीज होती जिस तरह की रियल लाइफ में होती है तो हमारा डिमांड कर्व इस तरह का नहीं, वो इस तरह का वो ना बनता जिस जो बनाते हैं लीनियर से डिमांड कर्व, इस तरह का हमारा ना बनता। क्वेश्चन नंबर 24, द डायग्राम शो द इम्पोजिशन ऑफ एन इम्पोर्ट टैरिफ। अब हमने एक इम्पोर्ट के ऊपर हमने टैरिफ लगा दिया, इम्पोर्ट के ऊपर टैक्स लगा दिया। एस डब्ल्यू इज द वर्ड सप्लाई, अच्छा हम बात करें इस चीज़ की, एस डब्ल्यू एंड एस डब्ल्यू प्लस टैक्स इज द वर्ड सप्लाई आफ्टर द टैरिफ इफ द टैरिफ इज इम्पोज। तो पहले यहाँ थे और अब यहाँ से शिफ्ट हो गए इधर, ठीक है। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अच्छा अगर हम देखा जाए तो पहले हमारी जो थी सप्लाई थी, इट वॉज बेसिकली समवेयर एट हेयर। मैं सप्लाई को डिनोट करूँगा येलो से और डिमांड को डिनोट करूँगा लाइट ब्लू से, ठीक है। और जो हमारे पास डिमांड थी, इट वॉज समवेयर हेयर। अब क्या हुआ कि जब हमारे पास टैक्स लगाया तो हमारी डिमांड डिक्रीज हो गई है। वाई? बिकॉज ऑफ एन इंक्रीज इन प्राइस, और प्राइस को मैं डिनोट कर रहा हूँ वाइट से, ठीक है। तो हम पहले से पी वन देन शिफ्टेड टू पी टू, और जो हमारी सप्लाई है वो बेसिकली इंक्रीज होगी एट क्यू टू, ठीक है। मगर अगर देखा जाए तो हमारे पास अभी शॉर्टेज है, क्यों? क्योंकि हमारी सप्लाई यहाँ पर, डिमांड यहाँ पर। सो इन बोथ केसेस बिफोर एंड आफ्टर टैक्स हमारे पास एक एक्सेस डिमांड है और फिर वी हैव अ शॉर्टेज ऑफ सप्लाई, ठीक है। सो दे आर आस्किंग व्हिच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। डोमेस्टिक डिमांड विल फॉल फ्रॉम क्यू फोर टू क्यू थ्री, ये आपकी डोमेस्टिक डिमांड नहीं। डोमेस्टिक डिमांड तो उन्होंने यहाँ पे उन्होंने दी ही नहीं है, डिमांड तो उन्होंने हमें बताया नहीं कि भाई डिमांड आपकी कौन सी, डोमेस्टिक है या फिर आपकी वर्ल्ड की है। बी कह रहा है इम्पोर्ट्स विल चेंज फ्रॉम क्यू वन क्यू फोर टू क्यू टू क्यू थ्री। क्यू वन क्यू फोर से हमारी इम्पोर्ट्स चेंज हो जाएगी क्यू टू और क्यू थ्री के ऊपर, ये भी गलत है क्योंकि बेसिकली ये हम ये जो क्यू वन और क्यू फोर और जो क्यू टू और क्यू थ्री ये हमारे वो रिप्रेजेंट कर रहा है और वो डिफाइन कर रहा है एन एक्सेस ऑफ डिमांड एंड अ शॉर्टेज इन सप्लाई, ठीक है। तो इम्पोर्ट्स की बात ही नहीं कर रहा। सी कह रहा है इम्पोर्ट्स विल फॉल फ्रॉम क्यू फोर टू क्यू थ्री, क्यू फोर से क्यू थ्री, एक्जैक्टली। देखो डिमांड आपकी जब आपकी डिमांड गिरेगी इम्पोर्ट्स की, ठीक है, हेंस योर इम्पोर्ट्स आपकी गिरेगी फ्रॉम क्यू फोर टू क्यू थ्री, तो उसका आंसर सी होगा। डी कह रहा है सप्लाई ऑफ डोमेस्टिक गुड्स विल इंक्रीज फ्रॉम क्यू वन टू क्यू टू, ये भी गलत है क्योंकि अगर आपकी डोमेस्टिक गुड की जो है, नहीं नहीं हाँ ये बिल्कुल सही है, सप्लाई ऑफ डोमेस्टिक गुड्स विल इंक्रीज फ्रॉम क्यू वन टू क्यू टू, क्योंकि पहले हम यहाँ थे देन इट इंक्रीज टू क्यू टू, तो उसका आंसर इट हैज टू बी बिटवीन सी एंड डी। मगर ये इसलिए सी होगा क्योंकि देखो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सप्लाई वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है, ना कि डोमेस्टिक की बात की उन्होंने, और यहाँ पर उन्होंने बात की हुई एक टैक्स लगाया उसके बाद हमारी जो सप्लाई ऑफ वर्ल्ड थी वो हमारी बेसिकली इंक्रीज हो गई है, ठीक है, ना कि उन्होंने डोमेस्टिक के ऊपर उन्होंने कोई बात नहीं की, है हमारा आंसर सी होगा ना कि डी। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 25, एंड इकॉनमी इज एक्सपीरियंसिंग अ पीरियड ऑफ डिफ्लेशन। डिफ्लेशन क्या होती है? नेगेटिव इन्फ्लेशन, ठीक है। इसमें हमारे पास जो प्राइसेस होती हैं हमारी वो बेसिकली फॉल करती हैं। व्हाट मस्ट बी हैपनिंग? द एवरेज प्राइस लेवल इज फॉलिंग, एग्जैक्टली। हमारी प्राइसेस जो है वो बेसिकली फॉल हो रही है। आउटपुट ऑफ द इकॉनमी इज फॉलिंग, नहीं, ये हम पीपीसी से लगाएंगे, ठीक है। और ये हमारा ओनली एंड ओनली इज अफेक्टेड बाय क्वालिटी एंड क्वान्टिटी, जिस तरह आपको क्वेश्चन वन एंड क्वेश्चन थ्री के अंदर बताया था। सी कह द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज फॉलिंग, नहीं, रेट ऑफ इन्फ्लेशन फॉल नहीं कर रहा। अगर आपका रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, फॉर ये ग्राफ है ना, तो ये हमारे पास जीरो है, यहाँ पे माइनस वन माइनस टू और यहाँ पे वन यहाँ पे टू है, ठीक है। तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज फॉलिंग का मतलब ये हुआ कि भाई हमारी इन्फ्लेशन इंक्रीज तो हो रही है बट नाउ इट इज डिक्रीजिंग लाइक दिस, कि अभी अभी इन्फ्लेशन है मगर इट डिक्रीज फ्रॉम 2% टू 1%, ठीक है। जबकि डिफ्लेशन का मतलब होता है कि भाई हमारा जो ग्राफ है वो बेसिकली इट इज लोअर देन जीरो, वो भी यहाँ पे चल रहा है यहाँ पे नेगेटिव के अंदर है, तो उसका आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 26, अ ब्रिटिश सिटीजन बायज अ हाउस इन द यूएस विच ही रेंट्स टू अमेरिकन सिटीजन। इसका मतलब इसने देखो ब्रिटिश में बैठा था, इसने बाहर एक हाउस लिया। बाहर हाउस लेने का मतलब क्या हुआ कि पैसे इसके कंट्री से गए बाहर, फ्रॉम पैसे जो थे शिफ्ट हुए फ्रॉम ब्रिटेन टू
यूएस, ठीक है, जिसका मतलब कि वो ये हमारे पास है इम्पोर्ट की मिसाल है, इम्पोर्ट, ठीक है। एंड ही रेंट्स टू अमेरिकन सिटीजन्स इन ऑर्डर टू रिसीव एन इनकम फॉर हिमसेल्फ। इनकम फॉर हिमसेल्फ का मतलब ये हुआ कि भाई अब पैसा यूएस से जा रहा है उसके पास, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये होगा इम्पोर्ट, सॉरी ये होगा एक्सपोर्ट, माई बैड, ये एक मिसाल है एक्सपोर्ट की, क्योंकि इसको इनकम मिल रही है ना, इसको उस घर को रेंट करने की इसको इनकम मिल रही है। सो वेयर विल बी द इनिशियल परचेज एंड देन द रेंट बी रिकॉर्डेड ऑन द यूके बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। इजी, कैपिटल अकाउंट आपका आ जाएगा, घर जब भी आप घर लेंगे भाई, तो आपके जो है कैपिटल अकाउंट उसके अंदर आएंगे, और एंड इट विल कम इन योर कैपिटल अकाउंट इम्पोर्ट, इम्पोर्ट के अंदर आएगा, ठीक है, सॉरी करंट अकाउंट नहीं, कैपिटल अकाउंट, तो उसका आंसर बी होगा। और जब आपका रेंट है वो आपका आएगा करंट अकाउंट एक्सपोर्ट के अंदर, क्योंकि अब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 27, अंडर सिस्टम ऑफ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट व्हाट डिटरमिन्स द फॉरेन एक्सचेंज वैल्यू ऑफ अ करेंसी। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, ठीक है, हमारे पास फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है, और अब हमें डिटरमिन करना है कि भाई व्हाट डिटरमिन्स द फॉरेन एक्सचेंज वैल्यू ऑफ अ करेंसी। ए कह रहा है द ओवरऑल सप्लाई एंड डिमांड फॉर अ करेंसी ऑन करेंसी मार्केट्स। एग्जैक्टली, क्यों, क्योंकि देखो हमारी जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का मतलब कि भाई कोई गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं है, तो जब भी कोई गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होती तो उसका मतलब हमारे पास कौन सी फोर्सेस हमारी प्राइस को कंट्रोल कर रही होती हैं, मार्केट फोर्सेस, और वो मार्केट कौन सी हैं, वो हैं डिमांड एंड सप्लाई। तो हमारी डिमांड एंड सप्लाई ऑफ आवर एक्सचेंज रेट ऑफ आवर करेंसी, बेसिकली हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज वैल्यू ऑफ अ करेंसी उसको डिटरमिन करेगी, ठीक है। हेंस द ओवरऑल सप्लाई ऑफ एंड डिमांड फॉर अ करेंसी ऑन करेंसी मार्केट, ये इसका एज आंसर। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 28, अ कंट्री विद अ बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट रेजेज इंटरेस्ट रेट्स। अच्छा, आपके पास डेफिसिट है, ठीक है, और आपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, हाउ मे दिस हेल्प टू रिड्यूस द डेफिसिट इन द शॉर्ट रन। ए कह रहा है बाई इंक्रीजिंग द इनफ्लो ऑफ फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। रॉन्ग, आप जब अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, ठीक है, और उससे आपको जो इनफ्लो आएगा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, इससे उल्टा क्या होगा कि आपकी जो वैल्यू है, आपकी जो करेंसी है, वो बेसिकली अप्रिशिएट करेगी, एंड व्हेन इट अप्रिशिएट्स योर एक्सपोर्ट्स विल बिकम लेस प्राइस कॉम्पिटेटिव, जिसकी वजह से आपको जो डेफिसिट है इट विल वर्सन, ठीक है। तो ए नहीं है। बी कह रहा है लोअरिंग बाय लोअरिंग द फॉरन एक्सचेंज रेट, ये भी गलत है, क्योंकि देखो आपके पास जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा, आपके इनके इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से आपके एक्सचेंज रेट पर कोई फ़र्क नहीं आता, ठीक है। सी कह रहा है बाय रेजिंग द लेवल ऑफ डोमेस्टिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से आपके पास बेसिकली सेविंग्स आपकी इंक्रीज हो जाएंगी, और आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो बेसिकली गिर जाएंगी, ठीक है, तो आपका रेज नहीं होगा लेवल। डी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि बाय रिड्यूसिंग द लेवल ऑफ डोमेस्टिक एग्रीगेट डिमांड। आप जब आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे और लोग ज़्यादा सेव करेंगे और इन्वेस्ट कम करेंगे, हेंस इसका मतलब क्या हुआ कि भाई सेविंग ज़्यादा हो गई, कंजप्शन गिर गई, और जब कंजप्शन आपकी गिरती है तो उसका मतलब आपका जो एग्रीगेट डिमांड है वो बेसिकली गिर गया, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 29, एंड इकॉनमी इज करंटली इन द पोजिशन पी वाई शोन ऑन द डायग्राम। अभी हम यहाँ पे हैं, वी करंटली आर हेयर, आई विल लेबल इट विद ई। विच शॉर्ट रन इफेक्ट इज गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन। बात करें कभी गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन इज लाइकली टू हैव ऑन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। देखो अगर आपने एजुकेशन पे आपने स्पेंड किया है, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बेसिकली, अच्छा हाँ, आपके अनएम्प्लॉयमेंट पे आपका कोई इतना खास इफेक्ट नहीं आएगा, ये क्या आएगा, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली गिरेगी और आपकी जो इन्फ्लेशन है वो बेसिकली इंक्रीज होगी, सही है ना। इसकी वजह से क्या होगा कि जो आपकी अगर ग्राफ में देखा जाए तो हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली फॉल करेगी और इन्फ्लेशन हमारी राइज करेगी, तो उसका आंसर बी होगा, सिंपल। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट क्वेश्चन, द डायग्राम शोज द ए डी एंड ए एस कर्व्स फॉर एन इकॉनमी। पहले हम थे यहाँ पे, एंड देन और एग्रीगेट सप्लाई कर्व बेसिकली शिफ्टेड फ्रॉम AS1 टू AS2। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो बेसिकली शिफ्ट हुआ राइट, ठीक है, राइट की तरफ, और इसका मतलब ये कि हमारी एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज हुई है, जबकि हमारी एग्रीगेट डिमांड इट स्टेज द सेम। विच पॉलिसी वुड रिड्यूस द प्राइस लेवल फ्रॉम P1 टू P2 एज शोन इन द डायग्राम अबव, ठीक है। ए कह रहा है कि डिप्रिशिएटिंग द करेंसी टू मेक इम्पोर्ट्स मोर एक्सपेंसिव। अगर आपके इम्पोर्ट्स मोर एक्सपेंसिव हो गए, ठीक है, तो उससे आपकी जो एग्रीगेट सप्लाई है वो आपकी बेसिकली डिक्रीज होगी, क्यों, क्योंकि तो आपके जब इम्पोर्ट्स महंगे होंगे तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, आपकी जब कॉस्ट बढ़ेगी तो फिर आपके पास जो एग्रीगेट सप्लाई है वो बेसिकली गिर जाएगी नीचे, ना कि बढ़ेगी, तो इसका ए
नॉट द आंसर. बी कह रहा है इम्पोजिंग टैरिफ्स ऑन इम्पोर्ट्स टू इंक्रेज एक्सपेंडिचर स्विचिंग. सेम थिंग, आप जब टैरिफ्स लगाएंगे इम्पोर्ट्स के ऊपर तो आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, जिससे आपकी आपकी जो है एग्रीगेट सप्लाई, इट विल बी अफेक्टेड. सी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि इंक्रीजिंग लेबर प्रोडक्टिविटी थ्रू टेरिंग. आप जब अपनी लेबर प्रोडक्ट आपकी जो है लेबर प्रोडक्टिविटी है वो जब आप इंक्रीज़ करेंगे, इससे आपकी जो एग्रीगेट सप्लाई है वो बेसिकली आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी, एंड योर मैक्सिमम कैपेसिटी एंड योर मैक्सिमम आउटपुट और योर रियल आउटपुट विल बेसिकली इंक्रीज. आपकी जो नेशनल आउटपुट है वो बेसिकली इंक्रीज़ हो जाएगी. डी कह रहे हैं कि रेजिंग सेल्स टैक्सेस ऑन गुड्स टू डिस्करेज कंजम्पशन. अगर आप इससे करेंगे, इससे आपकी एग्रीगेट डिमांड पर इफेक्ट आएगा, ना कि आपकी एग्रीगेट सप्लाई के ऊपर. ठीक है, इसका आंसर सी था. सो दिस इज इट फॉर टुडे. इंशाल्लाह हम कल करेंगे अपना क्वेश्चन पेपर 32 करेंगे. ओके, विल डू क्वेश्चन नंबर 32 ऑफ मई जून 2019. ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड एंड अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह.